और ये अरसे बनाए जा रहे हैं आरती के लिए। और अभी कूद लिया है ससुर जी, इसको घर ले जा रहे हैं क्योंकि इनका घर कनस्तर में तेड़ू लगा रखा था, तो उसको फैलने के लिए नीवा और इतना ही बड़ा हुआ है। ये तो बिल्कुल अजब कोटमा से काफी ऊपर आ गए हैं और आज हम फिर से जा रहे हैं ऊपर वाले। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, मेरा नाम है पुष्पा रावत और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पुष्पा रावत ब्लॉग्स में। अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं और मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है पीठा कूटने से। और यहाँ पे ना सारे जो लोग आ रखे ना ये धो दिया नहीं है और इनको इन्हीं के लिए आरसे बनाए जाएंगे, तो इसीलिए हम पीठा कूट रहे हैं। से बनाए जा रहे हैं आरती के लिए और आरती खुद पीठा कूट रही है, लेकिन हम मदद करने के लिए आ रखे हैं। ज्योति और सविता ये दोनों मदद कर रहे हैं और मैं ना ये छलनी से इसको अलग छान रही हूँ, तो ये मदद मैं भी कर रही हूँ। अब तो एक तरफ चल रही है पीठू की कुठाई और दूसरी तरफ छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, सब मस्त मार के आई समय डुबू भी काफी खुश है। आज आसमान पे बादल लगे हुए हैं, बारिश का मौसम बना हुआ है, बाकी पता नहीं बारिश होती या नहीं। तो पीठा भी कूट लिया है ससुर जी, इसको घर ले जा रहे हैं क्योंकि इनका घर उधर पे है, इनके घर में ओखली नहीं है इसलिए यहाँ पे कूटा है। तो बाकी हम लोगों के लिए चाय आ गई है, आओ चाय पीने। क्या ये हमने हम लोगों ने कनस्तर में तेड़ू लगा रखा था, तो उसको फैलने के लिए नीवा और इतना ही बड़ा हुआ है। ये तो बिल्कुल अजब गजब का तेड़ू है भाई ये तो। तो उस वाले कनस्तर में ये भी लगा रखा था, साथ में मैंने पहले की हल्दी भी लगा रखी थी, तो हल्दी इस बार कम हुई उसमें, नहीं तो बहुत ज्यादा हल्दी होती थी। ये तो हो गया। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं गुज्जू यहीं पे बैठे हुए हैं, साथ में दीदी है और जो परसों हमने सरसों निकाली थी तो वो अभी यहाँ पे रखी हुई है मंडाई करने के लिए। और आजकल लोग सरसों निकाल रहे हैं, उसकी मंडाई कर रहे हैं, साथ में दीदी और मेरी तैयारी हो चुकी है जाने की। देखो दीदी ने रस्सी भी पकड़ दी है। दोस्तों हम कोटमा से काफी ऊपर आ गए हैं और आज हम फिर से जा रहे हैं ऊपर वाले गांव में, यानी मजेरा गांव में, वहां से हमने घास लानी है। दीदी ने घास लानी है भैंस के लिए, तो वहीं जा रहे हैं। तो फाइनली हम मजेरा गांव में पहुंच चुके हैं, जी के घर पे पहुंच चुके हैं। जी प्रणाम, ठीक ठाक। तो हम जी की गौशाला पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से ले जानी हमने घास, तो आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ से कैसी घास, यहाँ से हमने ले जानी है सूखी घास, यानी ऊ ले जाना है यहाँ से। तो यहाँ बंद कर रखा है जी ने।